हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं धनतेरस वाले दिन से। तो गाइस, मैं धनतेरस और दिवाली का व्लॉग, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा कमरा मैंने कबाड़ बना लिया है, क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग करी थी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही काम बचा हुआ था। किचन की हालत भी कुछ ऐसी हुई है सफाई करने के बाद, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा गाने बज रहे थे, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स बन ही नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और सब साफ़ सफाई करने के बाद अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं रंगोली। एक्चुअली मैं नीचे डालने वाली थी, बट जो नीचे वाली दीदी है उन्होंने बोला कि वो नीचे डाल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर में ही छोटी सी रंगोली डाल लेती हूँ। तो आप लोग भी देखिए कि मैं छोटी सी रंगोली कैसे डाल रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर नीचे वाली दीदी रंगोली डाल रही हैं, और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा सुंदर रंगोली डाल रही हैं। और आप देखिए कि उनकी जो बेटी है वो थोड़ी दूर में जाकर रंगोली डाल रही है। एक्चुअली शाम के समय सारे लोग एक साथ ही रंगोली डालते हैं, तो आप देख सकते हो कि गली में आगे आपको हर जगह अपने घर के बाहर रंगोली डालते हुए दिखेंगे। जब हम घर के बाहर रंगोली डालते हैं तो रंगोली डालने से ही फेस्टिवल की वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, दिवाली आ चुकी है। रंगोली डालने के बाद दिया लगाने का टाइम हो जाता है, तो आप देख सकते हो कि मेरी रंगोली में दिया लगने के बाद रंगोली कुछ इस तरीके से लग रही थी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई हो। उसके बाद रात में 12 बजे हम गए थे छत पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फटाके जलाने थे। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइस।